टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि मैच एक सप्ताह बाद ही टी20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने वाला है, बिगुल बज जाएगा। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस मुकाबले शुरू कर चुकी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से दो खिलाड़ी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद अपनी स्क्वाड के अंदर ऐड किए हैं। ये दो गेंदबाजों के आने से टीम इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कैसे टी20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली की चिंता बढ़ चुकी है, उनके सबसे बड़े दुश्मन की टीम में एंट्री हो चुकी है। बताते हैं आपको सारा कुछ मैटर इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हां, टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में ये दो खिलाड़ी जुड़ चुके हैं जो खतरनाक गेंदबाज और टीम इंडिया के लिए करेंगे कमाल। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर टी20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित और विराट की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के शुरू होने में महज अब मुट्ठी भर का समय बचा है। इस मेगा आईसीसी इवेंट का आगाज 16 अक्टूबर से होने वाला है, जिसकी मेजबानी इस बार गत विजेता ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इस बड़े टूर्नामेंट के लिए फैंस का उत्साह चरम पर है, ऐसे में टीम इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को घरेलू टी20 सीरीज में मात देकर वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद टीम इंडिया ने इन दो खिलाड़ियों को बुलावा भेजा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन फिट हो चुका है और टीम में एंट्री कर चुका है। जी हम बात कर रहे हैं शाहीन आफरीदी की, जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले फिट हो गए हैं। ये वही शाहीन आफरीदी है जिन्होंने टी20 विश्व कप 2021 में रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को आउट करके भारत की कमर तोड़ी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने बताया है कि आफरीदी अब पूरी तरह से फिट है और वो 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। लेकिन अब आइए जानते हैं उन दो गेंदबाजों के बारे में जिन्हें अचानक भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। एक तो धोनी का भी खास खिलाड़ी है। जी हम बात कर रहे हैं दो तेज गेंदबाजों के बारे में, तो एक गेंदबाज है मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी आईपीएल 2022 में एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुकेश चौधरी को तेज तरार गेंदबाजों में गिना जाता है और हम आपको बता दें कि आईपीएल की गेंदबाजी से प्रभावित होकर इन युवा खिलाड़ी को भारत के नेट प्रैक्टिस यानी नेट गेंदबाज के तौर पर जोड़ा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। और इनके साथ में एक और तेज तरार गेंदबाज चेतन सकारिया भी है। चेतन सकारिया को भी बतौर नेट गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया के स्क्वाड के साथ जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर इन दो गेंदबाजों को मिला है ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका टीम इंडिया के नेट प्रैक्टिस बॉलर्स के रूप में, लेकिन कहीं जरूरत पड़े तो इन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में भी शामिल किया जा सकता है। घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो फिर ये दो गेंदबाज जो टीम इंडिया की ताकत में ऐड हो चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया की स्क्वाड के अंदर गेंदबाजों में आप क्या बदलाव देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।